जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा रिलेटिव मोशन है। वैसे तो रिलेटिव मोशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब रिलेटिव मोशन जो है, जैसे आपने सुना होगा ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थी। तो रिलेटिव मोशन तो बेसिकली क्या है कि बहुत बड़ी चीज है, और एक आप समझ सकते हो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से आइंस्टाइन का इतना नाम है, इतना फेमस हुए हैं। तो आप रिलेटिव मोशन का मतलब समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। अब ये जो रिलेटिव मोशन है, इस रिलेटिव मोशन को अगर हम ध्यान से देखें तो रिलेटिव मोशन के अंदर क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। एक जैसे छोटा सा मैं सवाल आपके सामने रखता हूं, जिससे कि हम रिलेटिव मोशन का महत्व समझ पाएंगे और रिलेटिव मोशन को हम जैसे समझ पाएंगे कि भाई क्या हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, जमीन पे रखा हुआ है, एम मास का रुका हुआ है। तो ये ब्लॉक रुका हुआ है, ऐसे जमीन पे रखा हुआ था। हमने कहा कि अच्छा जाओ भाई, इसकी वेलोसिटी बताओ मुझे। तो अब इसकी वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपके दिमाग में जो पहला विचार आएगा, जो फर्स्ट इमीडिएट थॉट आएगा कि भाई ये तो आप खुद ही कह रहे हो रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन सच्ची बात ये है कि ये रुका तो है नहीं, ये तो धरती पर रखा है और धरती जो है घूम रही है अपनी एक्सिस के चारों ओर। तो अगर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी, सच में वेलोसिटी निकालनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर आपको इसकी निकालनी है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई इसकी वेलोसिटी अगर आपको निकालनी, एक तो हुआ कि धरती के रिलेटिव देखा जाए, धरती के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जीरो आएगी। लेकिन हम धरती के रिस्पेक्ट में तो कह नहीं रहे, हम तो कह रहे इसकी एक्चुअल वेलोसिटी बताओ। तो इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, तो चूंकि ये धरती के ऊपर रखा हुआ है और धरती घूम रही है, तो धरती के घूमने वाली वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। मान लो आपने किसी तरह से धरती जिस वेलोसिटी से घूम रही है, आपने बड़ी मेहनत करके निकाल भी लिया, अभी प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो कि आपने इसकी धरती के घूमने की वेलोसिटी निकाली, तो ये भी तो बताते हैं कि धरती सूरज के चारों चक्कर काट रही है। तो धरती जो सूरज के चारों चक्कर काट रही, वो वाली वेलोसिटी भी निकाल के आपको उसमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि सूरज रुका नहीं है, सूरज जो है वो गैलेक्सी के अंदर चल रहा है। तो सूरज गैलेक्सी के अंदर चल रहा है, तो अगर गैलेक्सी के अंदर सूरज चल रहा है, तो सूरज की वेलोसिटी भी आपको निकाल के उसमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। धरती की रोटेशन की वेलोसिटी, धरती की रिवोल्यूशन की वेलोसिटी, सूरज की वेलोसिटी। अब ऐसा नहीं कि सूरज की वेलोसिटी निकाल के आपने जोड़ दिया तो काम बन गया, जो गैलेक्सीज है वो भी चल रही है, तो जो गैलेक्सी की वेलोसिटी है वो भी उसके अंदर आपको ऐड करनी पड़ेगी। और गैलेक्सीज चल रही हो, किस वेलोसिटी से चल रही, वो बिग बैंग थ्योरी जो है उसके हिसाब से आता है कि कौन सी गैलेक्सी किस वेलोसिटी से चल रही है। तो आपको जो गैलेक्सी के मोशन की वेलोसिटी है, और ये सब कोई आज तक निकाल नहीं पाया है, गैलेक्सी की वेलोसिटी कोई निकाल नहीं पाया है, बिग बैंग थ्योरी पे भी डाउट है कि सही है कि गलत है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप इसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो। और जो सही बात है वो ये है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता है। सच में इसकी क्या वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन ही मीनिंगलेस है। जो मेरा सवाल था, उस सवाल का ही कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो मीनिंगलेस है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा किसी न किसी के रिलेटिव होती है। मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं, मेरे सामने जो भाई साहब बैठे हुए हैं वो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो मेरे सामने जो भाई साहब बैठे हैं वो चल रहे हैं, और जब मैं ट्रेन में ऐसे जा रहा हूं, मैं जमीन देखता हूं, तो जमीन ऐसे पीछे की तरफ भाग रही होती है, पीछे की तरफ भाग रही होती है, तो मेरे हिसाब से जमीन पीछे की तरफ जा रही है। तो किसकी वेलोसिटी क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि देखने वाला कौन है। रिलेटिव मोशन में इस बात का तो महत्व होता ही है कि कौन देख रहा है, सॉरी कौन चल रहा है, और इस बात का ज्यादा महत्व होता है कि देखने वाला कौन है। सच में देखो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो मीनिंगलेस कंसेप्ट है। पहली बात तो ये समझें कि रिलेटिव मोशन में किसी की सच में वेलोसिटी, आपसे कहे कि नहीं इसकी असली वाली वेलोसिटी बताओ, तो असली वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है ये एक मीनिंगलेस वर्ड है। मोशन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज ए मीनिंग लिस्ट। हाँ, आदत हमारी पड़ी है कि भाई बचपन से आदत पड़ी कि जो भी वेलोसिटी होती है वो हम अर्थ के फ्रेम में बता देते हैं। कोई भी कहेगा कि भाई वेलोसिटी बताओ तो अर्थ के रिलेटिव ही बताएंगे, लेकिन उसकी एक्चुअल वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें जो काम काम की बातें मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हैज नो मीनिंग, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हैज नो मीनिंग।
और जो मोशन होता है वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी नहीं होता है जो चल रहा है, जो उसको देख रहा है उसकी भी प्रॉपर्टी। देखने वाला खत्म कर दो, मोशन का क्या मतलब रह गया? जिस दिन मैं नहीं हूं उस दिन मेरे लिए दुनिया नहीं है, ठीक है? दुनिया भले होगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दुनिया है ना। मैं जो देख रहा हूं मेरे लिए वही दुनिया है, कोई दूसरा देख रहा है उसके लिए दुनिया कुछ और होगी, कोई तीसरा देख रहा है उसके लिए कुछ और होगी। कहने का मतलब यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाला होता है, ठीक है? तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं, इसको सब समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, ठीक है? मोशन जो है वो जो ऑब्जर्वर है और जिस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं उसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो और जो ऑब्जर्व कर रहा है उन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। रिलेटिव, और दुनिया का हर मोशन रिलेटिव होता है। इनफैक्ट सही बात यह है कि दुनिया में आप कोई भी चीज अगर देखोगे, सिर्फ मोशन ही नहीं, थोड़ा फिलोसफिकल बात हम लोग करें तो दुनिया में लगभग चीजें रिलेटिव होती हैं। जैसे अगर आपसे बात की जाए कि किसी आदमी की, जैसे मैं समझाने की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी की हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है, तो अब सवाल पूछा जाए कि भाई उसकी हाइट ज्यादा है या कम है? तो उसकी हाइट ज्यादा भी है कम भी है। कैसे कम है? अगर वो यूएस में चला जाए जहां एवरेज हाइट जो है 6 फीट के आसपास होती है, तो यूएस चला जाएगा तो यूएस के लोगों को देखेगा तो उनकी हाइट ज्यादा लगेगी, उसकी अपनी कम हो जाएगी। अगर वही चाइना चला जाए जिसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, वही चाइना चला जाए तो चाइना वालों को ऐसे देखेगा और बहुत खुशी मिलेगी उसे, उसे लगेगा कि उसकी हाइट ज्यादा है। तो अब 5 फीट 6 8 इंच की जो हाइट है ना, ज्यादा है ना कम है? मैं आपसे कहता हूं 1 किलोग्राम मास ज्यादा है कि कम है, डिपेंड करेगा 1 किलो सोना है कि 1 किलो लोहा है कि 1 किलो मिट्टी है, ये तो डिपेंड करेगा ना। कहने का मतलब है कि अगर 1 किलो मास आप ले लें और अर्थ के मास से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, उसी के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट जो चीज है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो सिखाना चाह रहा हूं कि एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट, जैसे अब आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप आईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आईटी के एग्जाम में आपके कितने नंबर आते हैं ये मायने नहीं रखता है। आईटी के एग्जाम में मायने ये रखता है कि आपसे कितने लोगों के कम आए हैं, परसेंटाइल देते हैं ना ये लोग, ठीक है? आईटी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जो जिसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, तो उसमें ये मायने नहीं रखता कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितने लोगों से आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं, ये बात मायने रखेगी। उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, उसी हिसाब से रैंक बनेगी, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नीट का एग्जाम जो है उसके लिए भी यही बात लागू होगी, हर एग्जाम के लिए लागू होगी ये बात। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक्चुअल जो चीज है ना उससे कोई मतलब नहीं होता है, एब्सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है। बस हम क्या देख रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। रुपए पैसे की बात करें, किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, उसको लगता होगा 10 करोड़ में मान लो तो 10 करोड़ ज्यादा है कि कम है, डिपेंड करता है यार, कंपेयर किससे कर रहा है, अंबानी से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, या किसी नॉर्मल किसी आदमी से जिसकी एसेट जो है 2-4 लाख रुपए है उससे कंपेयर कर रहा है, तो ये डिपेंड करेगा। रुपया, पैसा, धन दौलत, ताकत, मेहनत, पढ़ाई लिखाई, हर चीज रिलेटिव होती है। मैं थोड़ा फिलोसफिकल हो गया, लेकिन ये बात आपको समझानी है कि रिलेटिव मोशन जो है वो यही बता रहा है कि एब्सोल्यूट कोई मतलब नहीं। बड़ा अच्छा जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक ट्रेन जा रही है, उसको समझिएगा सब लोग, एक ट्रेन जा रही थी और ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, और उसमें एक फिजिक्स का प्रोफेसर भी बैठा हुआ था, फिजिक्स के हिसाब से हर चीज को सोचता था। तो ट्रेन के अंदर डकैत आ गए, अब डकैत आ गए ट्रेन के अंदर, डकैतों ने फायर आर एक आध राउंड किया और उसके बाद बोलते कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब चुपचाप बैठ जाएंगे, भाई कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, हर आदमी बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगा क्योंकि जरा सा भी हरकत देखेंगे डकैत गोली मार देंगे, तो कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अब जो फिजिक्स का प्रोफेसर बैठा हुआ था वह हंसने लगा, क्यों हंसने लगा? उसने कहा कि यार इन्होंने बोला कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो सबके सब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिल रहे हैं क्योंकि ट्रेन तो 80 से जा ही नहीं है। तो लेकिन डकैतों ने किस कंटेक्स्ट में बोला था? डकैतों ने बोला था ट्रेन के रिस्पेक्ट में कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, ऐसा बोलना वो भूल गए थे। अगर जमीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सब हिल रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में या उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सबकी वेलोसिटी जो है वो जीरो ही है, ठीक है?
तो कहने का मतलब यह है कि मोशन जो है वो ऑब्जर्वर, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है। कई बार आप देखते होंगे बस से बैठ के आप जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, सामने से बाइक वाला आ रहा है, तो सामने से जो बाइक वाला आ रहा है वो तेजी से साए से निकल जाता है, और जब आप बाइक कार से जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में बाइक वाला जा रहा है, वही बाइक वाला लगभग वही स्पीड है, तो वो आपको बहुत तेजी से नहीं निकलेगा, वो ऐसे लगेगा धीरे धीरे आप उसको ओवरटेक करेंगे ये, या वो आपको धीरे धीरे ओवरटेक करेगा, लेकिन जो सामने से आ रहा है वो ऐसा लगता है बहुत तेजी से चला जा रहा है। मैं ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन चल रही है, चलते हुए मैंने देखा कि जमीन जो है वो चलने लगी, तो क्या सच में जमीन चलने लगी? तो सही बात यह कि सच में जमीन चलने लगी, मेरे रिस्पेक्ट में तो जमीन सच में चल रही है, अगर मेरे रिलेटिव देखा जाए तो जमीन चल रही है, जमीन के रिलेटिव देखा जाए तो नहीं चल रही है। हाँ, चूंकि हम पैदा हुए हैं जमीन पे, धरती पे पैदा हुए हैं, तो हमारा हर सोचने का जो नजरिया होता है वो जमीन से ही होता है, हम चलना जो है जमीन से ही लेते हैं, मतलब हम जो मोशन है उसको ग्राउंड से ही मेजर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड है उससे कोई मेजरमेंट नहीं होता। मोशन जो है वो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। जैसे इसको और समझो, ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं, मान लो मैं ट्रेन में बैठ के कोटा से बॉम्बे जा रहा हूं, तो अब अगर मैं बैठ के ट्रेन में जा रहा हूं तो कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद कोई पूछेगा, भाई साहब सवाई माधोपुर आ गया, तो क्या सवाई माधोपुर मेरी तरफ आ रहा था? क्या सवाई माधोपुर तो मेरी तरफ नहीं आ रहा था, मैं जा रहा था उसकी तरफ। कोई कहेगा, अरे भाई साहब ये बताइए कि जयपुर आ गया क्या? तो क्या जयपुर मेरी तरफ आ रहा था? क्या मैं जयपुर की तरफ जा रहा था ना? तो ट्रेन के जो पैसेंजर आपस में बात करते हैं ऐसे तो बात करते हैं, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, टूंडला चला गया, ठीक टूंडला गया क्या, उनसे मिलके टूंडला गया? मिलके तो नहीं गया, ऐसा हुआ है कि टूंडला रुका था, वो टूंडला की तरफ आ रहे हैं, लेकिन चूंकि हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए तो हम लोग उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो ठीक है, लेकिन जब ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो ट्रेन के हिसाब से हम मान लेते हैं कि सारी दुनिया चल रही है, और बातचीत भी वैसे ही करते हैं, ये चला गया वो आया, वो चला गया वो आया। तो कहने का मतलब यह कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो वो सारी चीजें चल ही रही हैं, बाकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो नहीं चल रही है। तो मोशन जो होता है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑब्जर्वर की, जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, दोनों को एक साथ हम लोग देख करके मोशन को समझते हैं। अब ये जो मोशन होता है इसको समझने के लिए, रिलेटिव मोशन को समझने के लिए हम लोग टर्म्स डिफाइन करेंगे, रेफरेंस फ्रेम हम डिफाइन करेंगे। रेफरेंस फ्रेम, ये तो मोशन का मतलब हो गया रिलेटिव मोशन का, अब हम यहां रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करेंगे। रेफरेंस फ्रेम समझने के लिए, रेफरेंस फ्रेम जो है, अगर आप समझना चाहते हैं, लेमन लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो हम ऑब्जर्वर को ही रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो जो ऑब्जर्वर है वही रेफरेंस फ्रेम है, लेकिन अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन चाहते हैं सरकारी, तो रेफरेंस फ्रेम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट होता है, और चूंकि हम रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी वगैरह भी मेजर करते हैं तो उसके साथ एक घड़ी अलग से अटैच कर दी जाती है, तो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो रेफरेंस फ्रेम के बारे में लिखेंगे हम लोग, इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेट ऑफ एक्स वाई जेड, इट इज सेट ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस It is a set of XYZ coordinate axis to measure time a clock is attached with it. It is a set of XYZ coordinate axis to measure time. A clock is attached with it. एक coordinate axis का set है और time measure करने के लिए इसके साथ एक घड़ी attach कर दी जाती है, ठीक है। It is a set of XYZ coordinate axis. मैंने XYZ आपको पता होगा, और चूंकि आप velocity निकालना चाहते हैं तो आपको समय की भी जरूरत पड़ेगी, भाई कितने समय में यहां से वहां गया, तो एक set of coordinate axis होता है, और time निकालने के लिए हम लोग इसके साथ एक घड़ी भी लगा देते हैं, ठीक है। ये तो reference frame हो गया। अब ये जो रेफरेंस फ्रेम होता है बेसिकली ये जहां से हम लोग नापते हैं मोशन को, जहां से मेजर करते हैं, भाई हम उसके कोऑर्डिनेट पता लगा लेंगे तो हमें रेफरेंस फ्रेम का पता चल जाएगा। अब ये रेफरेंस फ्रेम हो गया। रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो हम लिखते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम।
इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बेसिकली वो रेफरेंस फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन का पहला नियम वैलिड होता है। अब आप कहोगे न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, तो सब बच्चे जानते हैं, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि भाई पार्टिकल अगर कोई चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बेसिकली हम ऐसे रेफरेंस फ्रेम को बोलते हैं जिसके अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, न्यूटन का जो पहला नियम है ठीक है वो इसके अंदर वैलिड होता है। द फ्रेम्स, लिख देता हूं मैं, द फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन का पहला नियम वैलिड होगा। न्यूटन का पहला नियम वैसे याद होगा, आगे हम लोग न्यूटन का जब नियम पढ़ेंगे तो वो डिटेल में बातचीत करेंगे ठीक है, घंटों घंटों न्यूटन के लॉज के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है इसकी जो सबसे सटीक डेफिनेशन है, सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन का पहला नियम वैलिड होता है, यानी कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, इस फ्रेम को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को हम ऐसे भी कहते हैं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो होता है उसका एक्सेलेरेशन जीरो होता है, लेकिन जब उसका एक्सेलेरेशन हम जीरो बोलेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, तो इनर्शियल का जो एक्सेलेरेशन होता है वो इनर्शियल के रिस्पेक्ट में जीरो होता है। तो ये बात मैं नोट डाल के आपको लिखा दे रहा हूं स्टार बना के, एक्सेलेरेशन ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलेरेशन ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम, किसी भी इनर्शियल फ्रेम का दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलेरेशन होता है वो जीरो होता है। ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की पहचान हो गई। इनर्शियल जो रेफरेंस फ्रेम होता है इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड होता है, सेकंड भी वैलिड होता है, थर्ड लॉ भी, मतलब न्यूटन के सारे लॉज जो है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड होते हैं। मोटा मोटा लेमैन के हिसाब से बात करो, बहुत ज्यादा कानून न किया जाए, एकदम नॉर्मल बात की जाए, तो हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलेरेशन होता है वो जीरो होता है ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल एकदम सटीक बात करनी है, फील करना है, तो ये कह दो कि एक्सेलेरेशन जीरो होता है, लेकिन एकदम सटीक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कोई उंगली ना उठा पाए, तो वो बात ये है कि इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलेरेशन होता है वो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जीरो होता है। इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलेरेशन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जीरो होता है। ये आगे बात, अब उसके बाद आता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ये ऐसे फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन का पहला नियम लागू नहीं होता है। ऐसे रेफरेंस फ्रेम है जिसमें न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता है, और ये मतलब अगर पहचान करनी है तो ये इनकी पहचान यही है कि इनका जो ये जो फ्रेम होते हैं इनमें न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इनका एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होता है ठीक है। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो इसमें लिखूं पहला पॉइंट यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का मतलब लॉ ऑफ मोशन, लॉ तो बहुत है न्यूटन के, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज इनवैलिड इन सच फ्रेम्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज इनवैलिड इन सच फ्रेम्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज इनवैलिड इन सच फ्रेम्स। इस तरह के फ्रेम्स में न्यूटन का पहला नियम लागू नहीं होता है, पहला दूसरा मतलब पहला दूसरा दोनों नियम लागू नहीं होते, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज इनवैलिड इन सच फ्रेम्स। अब इन फ्रेम्स की एक पहचान ये होती है, इनकी एक विशेष बात ही होती है, स्टार डाल के मैं लिख दे रहा हूं, इनका एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होता है ठीक है। ये लिख देता हूं एक्सेलेरेशन ऑफ सच फ्रेम्स is non-zero, acceleration of such frames is non-zero
इन विद रिस्पेक्ट टू एनी इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, तो इस तरह के फ्रेम का जो एक्सेलेरेशन होता है वो किसी भी दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉन जीरो होता है. इनर्शियल का मोटा मोटा ऐसे समझ लें आप कि इनर्शियल का एक्सेलेरेशन जीरो होता है, नॉन इनर्शियल का नॉन जीरो होता है. ये दो तरह के जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल. बाकी सटीक डेफिनेशन ये है कि न्यूटन के लॉज एक फ्रेम में वैलिड होते हैं, दूसरे में वैलिड नहीं होते. नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होते, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं. अब इसके अंदर एक बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई धरती क्या है, अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है. तो देखो, वैसे तो देखो भाई धरती रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, सन के अबाउट भी रोटेट कर रही है, सन का फोर्स लग रहा है उसके ऊपर. ठीक है, तो सूरज अगर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसमें एक्सेलेरेशन तो होगा. तो धरती में अगर एक्सेलेरेशन है तो फिर धरती नॉन इनर्शियल फ्रेम होनी चाहिए. लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग धरती को इनर्शियल मान लेते हैं. सच में धरती क्या है? सच में धरती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मानते क्या है हम लोग? कैलकुलेशन के लिए हम लोग धरती को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं. सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि भाई दुनिया का कोई भी फ्रेम इनर्शियल हो ही नहीं सकता. आपको पता ही नहीं कि भाई कहां कौन सा पॉइंट एक्सेलेरेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. तो सच्ची बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कुछ. लेकिन हम एक कहीं ना कहीं तो बेस लेके चलना पड़ेगा ना. तो वैसे तो धरती जो होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, लेकिन हम लोग धरती को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करते हैं. सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हम लोग मानते क्या है? हम मानते हैं अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब ये चीज मैं आपको नोट भी कराऊंगा, क्योंकि अब धरती को हम लोग हमेशा इनर्शियल ही मानते हैं. न्यूटन ने जो अपने लॉज बनाए थे उसके अंदर धरती को इनिशियल माना था, लेकिन सच्ची बात है कि धरती भी तो एक्सेलेरेट कर रही है. तो अगर धरती एक्सेलेरेट कर रही है तो धरती एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम धरती को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं. ठीक है, तो मैं यहां पर इस बात को नोट कर रहा हूं, अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ इज ए नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज अर्थ इज ए नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज वी assume it to be inertial. But for practical purpose, we assume it to be inertial frame of reference. सच्ची बात यह है कि धरती नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि धरती एक्सेलेरेट कर रही है, रोटेट कर रही है, चक्कर काट रही है, तरह तरह के भांति भांति के नाना प्रकार के मोशन धरती कर रही है. तो धरती वास्तव में तो नॉन इनर्शियल है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से धरती को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं. तो 1D में जो रिलेटिव मोशन होता है, हम रिलेटिव मोशन को जैसे दो तरह से पढ़ेंगे, तो 1D में और दूसरा 2D या 3D में. मतलब 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है, और 2D 3D में तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ही. तो पहले तो हम 1D में रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं. 1D का रिलेटिव मोशन का मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन के अंदर जो कुछ चल रहा है वो एक ही लाइन के अंदर चल रहा है. इससे क्या होगा, 1D में पहले हमको थोड़ा विजुअलाइज कर लेंगे, फिर 2D 3D में वेक्टर के हिसाब से चलेंगे. तो जैसे मान लीजिए कि ये ओरिजिन रहा, यहां पर कोई एक पार्टिकल है. पार्टिकल क्या मान लेते हैं, एक लड़का है, ए नाम है इसका. ठीक है, ये दूसरा लड़का है, इसका बी नाम है, और ये दोनों लड़के चल रहे हैं. अब ध्यान से देखा जाए तो ये दूरी जो है, इस दूरी ओरिजिन से सारी दूरियां हम मेजर करते हैं, तो ये एक्स ए हो जाएगा, ये एक्स बी हो जाएगा, और इस दूरी को मैं बोल देता हूं एक्स बी ए. ठीक है, एक्स बी ए का मतलब है, एक्स बी ए जो है इसका मतलब है, ये ओरिजिन हो गया, ये ए है, ये बी है. एक्स बी ए का मतलब है, का मतलब है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसी को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे एक तरफ कभी बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कभी ये बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए,
कभी बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है, तो कभी बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, सारी एक ही बातें हैं। मतलब आप इसको तीन चार तरह से बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, मतलब बात वही है, ठीक है। एक्स बी ए जो है वो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। अब आप ध्यान से देखें तो जो एक्स बी ए है, अगर यहां से आप देखें तो एक्स बी ए की जो वैल्यू आएगी, एक्स बी ए की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी के बी ए की वैल्यू आ गई। मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी ए विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए। पूरे को मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो जब मैं पूरे को डिफरेंशिएट करूंगा तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। तो डी एक्स बी ए अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, वी बी ए। ये आ जाएगा यहां से एक बार, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा वी बी ए, और बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, या वेलोसिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए, या वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, मतलब कोई भी रिलेटिव टू ए ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये वी बी ए हो गया। तो अगर हमको b की वेलोसिटी निकालनी है a के रिस्पेक्ट में, तो जो b की एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल तो कुछ होता नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी b की वेलोसिटी है उसमें से a की वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमें b की वेलोसिटी निकालनी है a के रिस्पेक्ट में, तो हम b की वेलोसिटी जो है a की वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट समझना। अगर मान लो कि मुझे a की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में ही निकालनी है, तो अगर a के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी निकालेंगे तो वी ए ए हो जाएगा वी ए माइनस वी ए, तो ये a की जीरो आ जाएगी। यानी अगर मैं अपनी वेलोसिटी अपने ही रिस्पेक्ट में निकालूं तो वो जीरो के बराबर। जैसे मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं और मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी निकालूंगा तो मेरी वेलोसिटी तो जीरो आएगी ना, ट्रेन के अंदर तो रुका हुआ हूं मैं। वो अलग बात है कि ट्रेन बाहर से देखने पे मैं चल रहा हूं, लेकिन ट्रेन के रिलेटिव तो मेरी वेलोसिटी जीरो होगी। तो रिलेटिव मोशन के अंदर आपको ये समझना है कि जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए वो आ रही बी ए माइनस बी ए यानी जीरो, तो रिलेटिव मोशन के अंदर आपको ये बात समझनी है और इसको फील करने की कोशिश करनी है कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है, जो देख रहा होता है वो हमेशा रेस्ट पर होता है। और जैसे अगर मैं ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर यहां पे ए है, तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो बी की जो वेलोसिटी थी वो थी ही, और ए की वेलोसिटी उल्टी होकर उसमें जुड़ जाएगी। यानी रिलेटिव मोशन के अंदर मान लो कि मैं देखने लगा तो मेरे रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और मेरी जो वेलोसिटी वो उल्टी होकर पूरी दुनिया की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। यानी जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पर होता है। रिलेटिव मोशन के अंदर आपको ये समझना है कि जो देखेगा वो रुक जाएगा, ठीक है, जो देख रहा है वो रुका होगा और उसकी वेलोसिटी उल्टा होकर के, देखो बी को मिल गई थी ना, अगर मैं बी की वेलोसिटी देखूं ए के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर यहां पर ए है, तो अगर मैं बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो बी की वेलोसिटी उल्टी होकर, ए की वेलोसिटी जो भी ऑब्जर्वर यानी ए जो है उसकी वेलोसिटी उल्टी होकर के बी को मिल गई, माइनस साइन के साथ मिल गई और ए खुद रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन के जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां पर यह बात आपको समझनी होगी कि जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पर होता है और रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स की वेलोसिटी में, बाकी दुनिया की वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो इस बात को नोट करें, लिखता हूं मैं द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर with respect to velocity of observer with respect to observer is zero, velocity of observer with respect to observer is zero, जो observer की velocity है observer के respect में तो zero होती है, and the velocity of observer and the velocity of observer, the velocity of observer with respect to observer is zero and the velocity of observer is added in reverse direction, added in reverse direction, reverse direction
विद ऑल द अदर वेलोसिटीज. All the other velocities. मतलब समझो कि जो ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है वो रुक जाएगा और उसकी वेलोसिटी उल्टी होकर के सारी दुनिया को मिल जाएगी. जो भी ऑब्जर्वर होगा वो स्टेशनरी होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे वो तो रुका रहेगा. ठीक है, समझो कि बिल्कुल एकदम वो पहाड़ हो गया जो भी ऑब्जर्वर है, और उसकी वेलोसिटी उल्टी होकर के दुनिया पूरी दुनिया को मिल जाएगी. और जब पूरी दुनिया को मिलेगी तो उसके हिसाब से नया मोशन बन जाएगा, और जो नया मोशन बनेगा उस नए मोशन को ही एनालिसिस हम लोग यहां पर करेंगे. समझना क्या है आपको, जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पर होता है. जो समझना है और फील करना है, जैसे मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं तो मैं रुका हूं कि चल रहा हूं, मैं रुका हूं. अगर मैं खुद को देख रहा हूं तो मैं रुका हूं और जमीन चल रही है, ये बात आपको फील करनी पड़ेगी. और ये बच्चे फील कर नहीं पाते क्योंकि बचपन से हर मोशन जो है उन्होंने धरती के रिस्पेक्ट में देखा है, तो उनको चलती हुई वही चीज लगती है जो धरती के रिस्पेक्ट में चल रही है. पर ऐसा नहीं है, जो भी ऑब्जर्व करने वाला है वो रेस्ट पर आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी उल्टी होकर के सारी दुनिया को बी सी डी ई एफ जी सबको मिल जाएगी एक ही वेलोसिटी. जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी उल्टी होकर के बाकी पूरी दुनिया को मिल जाएगी. तो ये दिमाग में आपको रखना है. अच्छा, इसी के अंदर जैसे ये वी बी है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेशन ऑफ ए. ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे वेलोसिटी ना उल्टी होकर के मिल जाती है, उसी तरह से एक्सेलेशन भी उल्टा होकर मिल जाएगा, उसी तरह से सारी चीजें उल्टी होकर के मिल जाएंगी.